नमस्कार दोस्तों, मैं प्रजापति राजपूत। दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में, न्यू एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड मेरे चैनल का नाम है। दोस्तों, अभी दो दिन पहले जो मैंने एक प्रयोग यूट्यूब पे डाला था, जिसमें एकोरेजिया केमिकल के ज़रिए केमिकल को हल करने की बात, मतलब जो आपका आर्टिफिशियल गोल्ड बनेगा, जो केवल ठंडा एसिड पास रहेगा, गर्म करने पे वो घुल जाएगा, उसको एकोरेजिया केमिकल में हल करने के बाद उसमें बीकर में वो डस्ट फॉर्म में गोल्ड प्राप्त होता है। ये मैंने आपको उस प्रयोग में बताया था, लेकिन कुछ भाई का कमेंट आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं भैया चांदी कितनी डालना है, कोई कह रहा है चांदी के साथ गंधक मिक्स करना है, कोई कह रहा है चांदी के साथ पारा मिक्स करना है, कोई कहता है एकोरेजिया केमिकल क्या होता है। दोस्तों, आप प्रयोग को ध्यान से सुनिए, उसमें मैंने बताया है। आप सुनते नहीं हो यार, फिर हल्ला गुल्ला करते रहते हो। मैंने आपको बताया है कि आपको जो गंधक बनेगा, उस गंधक को पारे के ऊपर डालना है, लोहे की कढ़ाई में रखकर वो पारा पीला होते जाएगा, उसको किसी डांडी की सहायता से हिलाते जाओ, लकड़ी या पेचकस की सहायता से हिलाते जाओ। 4 घंटे का प्रोसेस होता है ये, इसमें उसकी कजली बन जाएगी, पारा मर जाएगा, भस्म रूप में आ जाएगा, काले कलर की कजली बनेगी। मैं डिटेल में बता रहा हूँ आपको। फिर उसको आपको उस कजली को उठा के खरल में डाल देना है, खरल करो बारीक उसको, उसके बाद में चांदी ले लो 10 ग्राम, उसको मेल्ट करो और उसके ऊपर उस कजली को थोड़ी थोड़ी डालो, पूरी नहीं डालना है, 1 रत्ती डालना है, ठीक है। उसके बाद जो कजली आपने जिस गंधक से बनाए हो, जो मैंने बताया था कि कॉपर सल्फेट डालने के बाद जो गंधक बनेगा, वो जो गंधक बनाया हो आपने, उसको भी कजली बनाने के लिए पूरा उपयोग नहीं करना है, उसमें से भी बचा के रखना है। तो जो बाकी बचा हुआ गंधक है, वो 1 रत्ती जो आप चांदी में मारोगे, उसके ऊपर फिर वो कजली के साथ मारने के बाद में फिर मेल्ट करते हुए इस गंधक को भी मारना है, तो आपको वहाँ से आर्टिफिशियल गोल्ड मिलेगा, जो डुप्लीकेट होगा, जो एसिड में गर्म होने के बाद में घुल जाएगा। फिर आप उसको एक बीकर में एकोरेजिया केमिकल में डाल के उसको हल करो, वो जो गोल्ड आपने बनाया है, वहाँ आपको गोल्ड डस्ट फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब रही मेहनत करने वाली बात, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई कहता है मुझे 10 ग्राम का नुस्खा दे दो, कोई कहता है 1 ग्राम का नुस्खा दे दो, कोई कहता है मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मुझे कमेंट करके परेशान ना करें, ठीक है। और रही चांदी बनाने वाली बात, तो चांदी में लोग कली का कुश्ता कर रहे हैं, कोई उसको ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करो यार, ये सब मत करो। चांदी बनाना सारा कौन सा मुश्किल काम है, पारा कायम कर लो, पारा कायम करके आप उसको चांदी के साथ मिला के मेल्ट कर दो, चांदी बन जाएगी, कौन सी बड़ी मुश्किल काम है। मत बनाओ नौसादर का तेल, कोई मतलब नहीं है। अलसी के तेल में आप कुछ दिन पारे को पकाओ, पारा कायम हो जाएगा, उसको चांदी के साथ उसकी गिरा बनाओ, उसको चक्कर दे दो बज्जर मूसा में रख करके, वो आपकी चांदी बन जाएगी। बड़ा ही आसान प्रोसेस है, लोग सालों लगा देते हैं इस प्रोसेस की, मतलब इस कीमिया में पास होने के लिए। आपको करना क्या है, पारा लेना है, अलसी का तेल लेना है, सरसों का ले लो, अलसी का नहीं मिल रहा है तो सरसों के तेल में पकाओ, उस दिन आपका पारा कायम हो जाएगा, बस। और इतनी सी बात है यार, लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। उसको चांदी के साथ मिलाओ, आपकी चांदी तैयार हो जाएगी, उसको लंबा चक्कर दे दो बज्जर मूसा में रख के, हो गया आपका काम।
इतनी सी तो बात है यार, पर लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद। अलसी के तेल में या सरसों के तेल में पारा कायम कर लो। कायम करने के बाद उसको चांदी में मिला दो, चक्कर दे दो लंबा, आपकी चांदी बन गई। सिर्फ पारा आपको कायम करना है। सरसों के तेल में आप पकाओ, दुनिया भर के झंझटे मत जाओ, कुछ दिनों तक पकाओ, आपका पारा कायम हो जाएगा, बन गई चांदी आपकी। उसके साथ चांदी मिला दो, चक्कर दे दो, चांदी बन गई। क्या यार फर्जी, तुम परेशान होते रहते हो।